हेलो दोस्तों, इम्पैक्ट एजुकेशन आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपन सोयल साइंस के फंडामेंटल ऑफ सोयल साइंस का अपन कोर्स के अंदर अपन स्टडी कर रहे थे। अभी अपन नेक्स्ट चैप्टर की स्टडी करेंगे, इसमें वेदरिंग्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं वेदरिंग के बारे में। सबसे पहले वेदरिंग, वेदरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं आपसे? आपसे वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग को समझने से पहले अपने को ये चीज देखनी पड़ेगी, सोयल का निर्माण कैसे होता है। सोयल का निर्माण होने के लिए अपन बात करेंगे, ये रॉक्स थी। रॉक्स का क्या हुआ? ब्रेकडाउन हुआ और ये क्या पेरेंट मटेरियल बना लिया, इसका वेदरिंग हुई। वेदरिंग हुई और ये पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल या अपन बोल सकते हैं रिगोलिथ। रिगोलिथ को अपन ने पहले पढ़ा था कब, सोइल प्रोफाइल वाले में, कि ए बी सी होराइजन तीनों मिलके, किसको बोलते हैं, ए बी सी होराइजन तीनों मिलके रिगोलिथ या मतलब पेरेंट मटेरियल बनाएगा। पेरेंट मटेरियल से फिर सोलम बनता है, सोइल फॉर्मेशन से। सोइल फॉर्मेशन होता है मृदा निर्माण प्रक्रियाओं से सोलम या सोइल का निर्माण होता है। तो इसमें अपन ने देखा कि रॉक्स थे, रॉक्स का ब्रेकडाउन हुआ मतलब पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल कैसे बने, जैसे छोटे छोटे ये रॉक्स, रॉक्स का ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, और ये क्या बना लिए, पेरेंट मटेरियल बना लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गए। तो ये डिवाइड होना ही क्या हो गया, वेदरिंग। इसको बड़े बड़े आकार की जो रॉक्स होती है उनका छोटे छोटे कणों में टूटना, छोटे छोटे कणों में टूटना क्या कहलाता है, वेदरिंग। वेदरिंग के अंदर अपन बात करेंगे, दो मेन टर्म है, एक तो डिस इंटीग्रेशन, डिस इंटीग्रेशन, और एक होएगा डिकम्पोजिशन। दो टर्म काम में आएगी इसमें, डिस इंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन। डिस इंटीग्रेशन, डिस इंटीग्रेशन का मतलब है जब ये रॉक्स है, रॉक्स अगर फिजिकली ब्रेकडाउन हुए, फिजिकली मतलब भौतिक तरीके से, भौतिक तरीके से उसके अंदर कोई भी रासायनिक चेंज नहीं हुआ, ये बड़ी आकार का रॉक्स थी, ये क्या हुआ, इसमें किसी की वजह से, किसी की वजह से मतलब वाटर की वजह से, विंड की वजह से, ये क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, इसका मतलब ये फिजिकली ब्रेकडाउन हो गया। फिजिकली इसकी, केमिकली इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, फिजिकली ब्रेकडाउन हो गया या भौतिक तरीके से टूट गया, तो इसको क्या बोले, डिसइंटीग्रेशन। और एक होगी जैसे ये बना और इसमें कुछ न कुछ ये मिनरल्स बने, इसमें कुछ न कुछ चेंज हुआ केमिकली, रासायनिक तरीके से कुछ इसमें क्रिया हुई, और ये दूसरा कोई भी मटेरियल बना लिए, इसके केमिकल रिएक्शन भी इसमें चेंज हुआ, तो ये हो गया केमिकली। अगर केमिकली अगर कोई चेंज हुआ तो ये हो गया डिकम्पोजिशन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये देखो वेदरिंग, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ सॉलिड रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट थी ये, अर्थ क्रस्ट थी, इसके ऊपर ये सॉलिड रॉक्स थी, चट्टानें थी, चट्टानों का क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन ऑफ द सॉलिड रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट इनटू किसके अंदर, फाइनर फ्रेगमेंट्स, फाइनल फ्रेगमेंट से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, रिजल्टिंग इन ग्रेजुअल फॉर्मेशन ऑफ द पेरेंट मटेरियल। मैंने अभी बताया था कि ये रॉक्स थी, रॉक्स से क्या बना, रॉक्स थी, चट्टान थी, चट्टान से पैतृक पदार्थ बने, पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल बना। तो यही तो बात बोल रहा है कि ग्रेजुअल फॉर्मेशन, धीरे धीरे फॉर्मेशन हुआ किसका, पेरेंट मटेरियल का, ऑफ द सोइल इज नोन एज वेदरिंग। वेदरिंग, वेदरिंग समझ में आ गई। अब ये देखो दूसरी, अगर बात करें, अपन ने दो टर्म बात की थी, डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन। तो ये हो गया द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इन जनरली कॉल्ड वेदरिंग। डिसइंटीग्रेशन अपन ने बात की थी, ये कौन से, फिजिकली ब्रेकडाउन हुए, और अगर डिकम्पोजिशन की बात की तो केमिकली अगर ब्रेकडाउन हुए तो इसको बोल दे वेदरिंग। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। इसके अंदर जनरली अपने क्या, कितने प्रकार की वेदरिंग होती है, मेनली तीन प्रकार की वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल में अगर हिंदी में बात करें
तो भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय। केमिकली बात करें और बायोलॉजिकली बात करें, बायोलॉजिकली जैविक हो गया, ये रासायनिक हो गया, रासायनिक अपक्षय, और ये बायोलॉजिकली जैविक, जैविक अपक्षय। आगे अपन अब तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले बात करें अपन फिजिकल वेदरिंग की। फर्स्ट है फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग का मतलब क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग भी बोलते हैं। ये रॉक्स थी, इस रॉक्स में ये ब्रेकडाउन हुआ फिजिकली। फिजिकली मतलब इसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। जैसे ये रॉक्स थी, ये बड़ा पार्टिकल था, इसके अंदर कोई भी टेम्परेचर की वजह से, वाटर की वजह से, विंड की वजह से, ग्लेशियर की वजह से या फ्रॉस्ट की वजह से ये टूट गए और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया। छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया मतलब मैकेनिकली, इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकली टूटा तो मैकेनिकल वेदरिंग भी बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है मेनली, ये अब इसके अंदर मेन फैक्टर कौन कौन से है जिसके वजह से फिजिकल वेदरिंग होगी या मैकेनिकल वेदरिंग होगी या क्या बोलते हैं भौतिक अपक्षय होगा। तो अपन बात करें सबसे पहले टेम्परेचर की, एक एक को अपन बात करते चलेंगे टेम्परेचर की। ये रॉक है, रॉक्स होती है, इसके अंदर क्या है, अपने दिन के अंदर, दिन के अंदर जब सूरज की रोशनी पड़ती है या इसकी वजह से अपने क्या हुआ, डायरेक्ट सनलाइट पड़ी रॉक्स के ऊपर, तो क्या हुआ, हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से रॉक्स क्या हुई, फूलती है, एक्सपांशन होता है, रॉक्स का एक्सपांशन होता है। रात को ठंड होती है मतलब टेम्परेचर कम होता है, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होएगा, एक्सपांशन, एक्सपांशन मतलब फूलती है, दूसरा हो गया कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ती है, फूलना और सिकुड़ना, ये क्या हो गया, हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से एक्सपांशन होएगा, एक्सपांशन मतलब फूलती है, और लो टेम्परेचर हुआ, लो टेम्परेचर ये साइन है, लो टेम्परेचर तो इसके अंदर सिकुड़ती है या कॉन्ट्रैक्शन, तो इसकी वजह से फूलने और सिकुड़ने की वजह से क्या हो गया, रॉक्स के अंदर रॉक्स टूट जाएगी। अगर ये कंटिन्यू प्रोसेस हुई हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, ये कंटिन्यू प्रोसेस होती है, दिन के अंदर हाई टेम्परेचर वजह होने की वजह से इसके अंदर एक्सपांशन होएगा और रात को टेम्परेचर कम होने की वजह से इसका कॉन्ट्रैक्शन होएगा, सिकुड़ेगी। तो ये पूर्ण एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन की ये क्रियाएं कंटिन्यू होने की वजह से इसके अंदर रॉक्स का क्या, ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिजिकली ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसके अंदर दरारें पड़ जाएगी। तो पहला हो गया टेम्परेचर। दूसरा बात करें अपन वाटर, ये रॉक्स है, ये रॉक्स है, इसके अंदर क्या हुआ, जैसे बारिश आई, बारिश की वजह से बहुत हाई स्पीड से पानी आया और पानी क्या हुआ, साथ में पत्थर के, पत्थरों को ले गया नीचे, हाई स्पीड से वाटर आया और वाटर क्या किया, ये रॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर थे उनको साथ में बहा ले गया। या कोई नदियां बहती है, अगर नदी बहती है, नदी बहती है और तो नदी क्या करती है, अपने साथ में कंकड़ पत्थर एक जगह से ले जाके दूसरी जगह पे डाल देती है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो इसका ये फिजिकली ब्रेकडाउन हो जाएंगे, छोटे छोटे कणों में टूट जाएंगे, इसकी वजह से। दूसरा हो गया वाटर, एक हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन हुआ, दूसरा वाटर, हाई प्रेशर या हाई स्पीड से अगर पानी आया तो ये क्या करेगा, जैसे इन पेरेंट मटेरियल्स या रॉक्स को क्या, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा। तीसरी चीज हुई विंड, हवा। हवा जब ऐसे हाई स्पीड से चलती है, हाई स्पीड से हवा चलती है, हाई स्पीड से चलती है मतलब आंधी, अपन बोल सकते हैं आंधी चली, तो ये क्या होगी, अपने साथ में जो छोटे छोटे पार्टिकल हो गए, जो पार्टिकल हो गए उनको उड़ा ले जाएगी साथ में, उड़ा ले जाने की वजह से ये कुछ और छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे, ब्रेकडाउन हो जाएंगे। तो ये हो गया विंड, तीसरा फैक्टर हो गया विंड। चौथा है ग्लेशियर्स। ग्लेशियर क्या हो गया, हिमनद, टेम्परेचर, ताप, जल, हवा और ग्लेशियर। ग्लेशियर का क्या है,
ग्लेशियर्स क्या होते हैं? बर्फ के शिलाएं होती है, बर्फ की शिलाई बनती है या बर्फ की चट्टाने बनती है। अब ये बर्फ की चट्टाने टेम्परेचर हाई होने की वजह से या किसी भी वजह से ये पिघलती है। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? पिघलते हैं। पिघलते हैं तो साथ में ये पानी पानी लेके आते हैं, और पानी इतनी स्पीड से आता है जिसकी वजह से जो बीच में आने वाली जो छोटी रॉक्स होती है या छोटे भी जितने भी कंकड़ पत्थर होते हैं उनको अपने साथ में बहा ले जाती है। इसकी वजह से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। तो ये हो गया ग्लेशियर्स। चौथा हो पांचवा हो गया फ्रोस्ट। फ्रोस्ट मतलब पाला। पाले की बात करते हैं अपन। ये है फ्रोस्ट। ये रॉक्स थी, इनके बीच में क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी दरारें पड़ गई बीच के अंदर, कहीं कहीं इसके अंदर पानी भर गया, वाटर भर गया। वाटर भरने की वजह से इसके अंदर क्या हुआ, अगर टेम्परेचर कम हुआ और ये क्या हुआ, बर्फ बन गई इसके अंदर, मतलब पाला पड़ा या बर्फ बन गई, बर्फ बन गई तो ये क्या होगी, इसका आयतन बढ़ जाता है। अगर बर्फ बनती है तो 9% तक आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने की वजह से रॉक्स क्या होगी, टूट जाएगी। अगर ये दरारों के अंदर पानी भरा तो इसकी वजह से ये रॉक्स टूट जाएगी। इसकी वजह से, किसकी वजह से, फ्रॉस्ट की वजह से। तो इसके अंदर हो गया अपन फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग की बात करते हैं। इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, ये क्या होता है, मैकेनिकली ब्रेक होते हैं। तो किस किस की वजह से, इसके अंदर मेनली 5 फैक्टर काम करते हैं। पहला हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया वाटर, तीसरा हो गया विंड, चौथा हो गया ग्लेशियर और पांचवा हो गया फ्रोस्ट। अब चलते हैं अपन आगे। ये देखो फिजिकल वेदरिंग, जैसे कि ये यहाँ पे रॉक्स है, रॉक्स के ऊपर कुछ भी जैसे वाटर की वजह से या विंड की वजह से ये टूट गया, ठीक है। अब है सेकंड केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या हो गया, केमिकल वेदरिंग हो गया जैसे कि वो फिजिकली अपन ने बताया कि फिजिकली ये टूटे थे, इसके अंदर कुछ भी केमिकल रिएक्शन हुई, और ये दूसरे पेरेंट मटेरियल दूसरा चेंज हुआ और उसकी वजह से अन्य रॉक्स बना लिया, अन्य मिनरल्स में चेंज हो गया, तो वो हो गया केमिकल। तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, इस कॉल्ड द केमिकल वेदरिंग। वाटर कॉजिंग चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक, वाटर मेनली मेन कारण है वाटर का जिसकी वजह से ये चेंज होता है, और ये इमेज हो गई। फिर अपन बात करें कि कौन कौन से टाइप है केमिकल वेदरिंग के, अंदर जिसकी वजह से होता है। तो जैसे हो गया फर्स्ट, अपन बात करें ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, इसके अंदर क्या होगा, कोई भी मिनरल है उसके अंदर क्या, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। इट इज द रिएक्शन ऑफ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन टू फ्रॉम ऑक्साइड्स। जैसे कि एग्जांपल ले अपन, यह फेरस ऑक्साइड, ये रिएक्शन हुई और ये फेरिक ऑक्साइड बना दी, फेरिक ऑक्साइड बन गया। तो देखो चेंज हो गया, क्या क्या हुआ ऑक्सीडेशन के अंदर, इट इज अ रिएक्शन ऑफ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन टू फ्रॉम ऑक्साइड्स। जैसे फिर ये था फेरस ऑक्साइड, में ऑक्सीजन का अणु जुड़ा, जुड़ने के बाद में ये फेरिक ऑक्साइड बन गया, मतलब इसके जो मेन फॉर्म थी उसके अंदर चेंज हो गया, ये फेरस ऑक्साइड से फेरिक ऑक्साइड बन गया। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। दूसरा है रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट रिएक्शन है, अपोजिट टू ऑक्सीडेशन, बिल्कुल जो ऑक्सीकरण है उसका जस्ट अपोजिट है। रिडक्शन को क्या बोलते हैं, अपचयन, बोलते हैं। कैसे, जैसे ये फेरस ऑक्साइड बना था, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बना था, ये फेरिक ऑक्साइड वापस क्या हो गया, अगर ये टूट जाए, इसमें से ये ऑक्सीजन जुड़ा था, इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ा था, इसके अंदर ऑक्सीजन निकलेगा, कैसे, 4 Fe(O) आयरन फेरस ऑक्साइड प्लस O2 वापस निकल जाए, तो ये हो गया रिडक्शन। फिर है हाइड्रेशन। द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन इज रिलेटेड टू एडिशन ऑफ वाटर टू द मिनरल। इसके अंदर क्या हो गया, जल का अणु जुड़ जाता है, कोई भी मिनरल के अंदर जल का अणु जुड़ता है, जल का अणु जुड़ने की वजह से ये चेंज हो जाता है। इसके अंदर ये वाटर का अणु जुड़ा,
ये क्या था? हेमेटाइट था, हेमेटाइट था। इसके अंदर अपन ने क्या किया, तीन अणु वाटर के जोड़े और इसके अंदर चेंज हो गया, ये बन गया लिमोनाइट, लिमोनाइट। इसके अंदर कैसे चेंज हुआ? हेमेटाइट था ये, इसकी प्रकृति कैसी होती है? लाल कलर का होता है। लिमोनाइट कैसे का होता है? येलो कलर का होता है, पीले कलर का होता है। तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो गई ना, इसके अंदर क्या हुआ? हाइड्रेशन के अंदर द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन रिलेटेड टू एडिशन ऑफ वाटर। ये ध्यान रखना, एडिशन ऑफ वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ वाटर टू द मिनरल। मिनरल के अंदर पानी जुड़ते ही ये अपने चेंज कर लिया, हेमेटाइट से लिमोनाइट बन गया, ये एक एग्जांपल हो गया इसका। तो इसके अंदर पहले टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग में तीन हो गए, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रेशन। नेक्स्ट बात करें हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन इज रिलेटेड, हाइड्रोलाइसिस इज द रिलेटेड टू रिमोल, हाइड्रेशन की जगह हाइड्रोलाइसिस कर देना, हाइड्रोलाइसिस रिलेटेड टू रिमोल ऑफ वाटर। इसके अंदर जैसे ये H2O का अणु है, HOH भी बोल सकते हैं अपन इसको। इसमें क्या हो गया, जैसे ये हाइड्रोजन और ये अलग अलग हो जाए, तो कैसे, ये ऑर्थोक्लेज फेल्डस्पार बोलते हैं इसको। ये जो पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, ये क्या है? ऑर्थोक्लेज फेल्डस्पार, फेल्डस्पार लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कौन सा? ऑर्थोक्लेज फेल्ड, ऑर्थोक्लेज ये टाइप होता है। इसके अंदर क्या हुआ, ये हाइड्रोलाइसिस हुआ, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस हुई और ये हाइड्रोजन का, ये पोटेशियम का आयन है, ये हट गया और ये किसके साथ जाके जुड़ गया? OH के साथ। और ये हाइड्रोजन आयन ये यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया हाइड्रोजन एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये बना लिया KOH। तो ये इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस के अंदर देखो ये चेंज हो गया बिल्कुल, ये केमिकल रिएक्शन, केमिकल वेदरिंग का मतलब क्या है, केमिकली कोई भी फॉर्म में चेंज हो जाए उसकी वजह से इसको बोलते हैं। तो ये इसके जो ऑर्थोक्लेज फेल्डस्पार था, इसके अंदर देखो ये चेंज हो गया और ये किसकी वजह से, HOH की वजह से। फिर आ गया सोल्यूशन, इट इज रेफर टू डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूबल पार्टिकल एंड मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स। क्या रॉक्स के अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो पानी के अंदर पूरी तरह से घुल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, रॉक्स कमजोर हो जाएगी और रॉक्स टूट जाती है। जैसे एग्जाम्पल हो उसका हेलाइट्स, हेलाइट ऐसा मिनरल है जो पानी के अंदर पूरी तरह से घुलित होता है, वो पानी के अंदर घुल जाएगा और ये बना लेगा, ये इसको रॉक्स को वेदरिंग के लिए इजी कर देगा। तो ये हो गया सोल्यूशन। फिर हो गया कार्बोनेशन। कार्बोनेशन नाम से ही पता पड़ रहा है कि कार्बोनीकरण, कार्बोनीकरण मतलब जैसे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बना लेते हैं, जैसे H2O+CO2, H2CO3, CO3, ये एग्जाम्पल हो गया, ये किसका, कार्बोनेशन का। तो ये हो गया, कितनी रिएक्शन हो गई जैसे केमिकल वेदरिंग में, टोटल 6 हो गई, पहला ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन, फिर हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस सॉल्यूशन और कार्बोनेशन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग को क्या बोलते हैं, जैविक अपचय। ये क्या होता है, द एक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल लीड्स टू ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। इसके अंदर मेनली तीन काम करते हैं, एक तो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या फिर ये जैसे जैसे कि इसके अंदर ये प्लांट्स की ऐसे बात करें, जैसे ये रॉक्स है, रॉक्स के अंदर, रॉक्स की दरारों के अंदर, ये चट्टानों के अंदर ये इसकी जड़े जड़े पेनेट्रेट कर गई, पेनेट्रेट की और इसको तोड़ दी। द एक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लीड्स टू ब्रेकिंग, ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स, रूट कॉजिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। क्या रूट क्या की, इसको डिसइंटीग्रेट की, तोड़ दी इसको, तो ये हो गई, ब्रेकडाउन हो गया। द रूट्स ऑफ द ट्रीज पेनेट्रेट इन टू द क्रैक्स ऑफ द रॉक्स, रॉक्स के क्रैक्स के अंदर, ये जैसे दरारें हैं, इन दरारों के अंदर ये पेनेट्रेट कर गई। इसमें देखो टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग, तो एनिमल से हो गया, ह्यूमन से हो गया और प्लांट से। प्लांट से कैसे, प्लांट से अपन ने अभी बात की थी कि प्लांट से क्या, उसकी रूट्स पेनेट्रेट करती है उसके अंदर, जो रॉक्स के अंदर जो दरारें होती है, दरारों के अंदर रूट से पेनेट्रेट करने के कारण उसको तोड़ देती है। भाई ह्यूमन, ह्यूमन कैसे, ह्यूमन जैसे अपन ने क्या, चट्टानों को तोड़ दिया रोड बनाने के लिए या मकान बनाने के लिए या कोई भी डैम बनाने के लिए, अपन ने मानव ने तोड़ दिया, तो ये हो गया भाई ह्यूमन से। एनिमल्स, एनिमल्स जैसे कि
ये हो गए, कोई भी चूहे या जो और भी है, चिटिया या केचुए, ये क्या रॉक्स के अंदर बिल कर देते हैं, तो इसको क्या इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, पार्टिकल्स में तोड़ने की वजह से ये क्या हो गया, टूट जाएगा। तो ये हो गए बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो अपने अपन ने आज बात की वेदरिंग की, वेदरिंग के अंदर पहले अपन ने डेफिनेशन बात कर ली, वेदरिंग डेफिनेशन क्या होती है, फिर अपन ने बात कर ली टाइप की, टाइप में तीन हो गए फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल, तीनों के अंदर अलग अलग हो गए। ये फैक्टर की बात करें तो फैक्टर में भी यही हो गया कि तीन फैक्टर हो गए फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल, और अपन इनको सब में कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि फैक्टर कौन से या एजेंट कौन से है, तो एजेंट के अंदर भी ये आ जाएंगे, जैसे फिर ये आगे फिजिकल, फिजिकल के अंदर कौन कौन से है, केमिकल के अंदर कौन कौन से है, बायोलॉजिकल, जैसे मेनली फैक्टर की बात करें कि एजेंट कौन कौन से है, तो एजेंट में आगे ये मेनली जैसे टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया, ग्लेशियर हो गए, फ्रॉस्ट हो गए, ये मेनली जो एजेंट होते हैं वो है, और ये तीन टाइप हो गए। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों।